ये स्टूडेंट्स अस्सलाम असलकम सो फार वी हैव कवर्ड डिफरेंट आइटम टाइप्स विद इन क्विक बुक्स टूडे द आइटम टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट आइटम एक चीज याद रखें कि अभी तक हमने जितने भी आइटम्स डिस्कस किए हैं उनका डायरेक्ट अफेक्ट अकाउंट्स पे होता है भले वो इन्वेंट्री आइटम हो नॉन इन्वेंट्री आइटम हो सर्विस आइटम हो इनका तमाम का अफेक्ट हमारे अकाउंट्स पे होता है और इनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है इसी तरह से डिस्काउंट आइटम भी एक ऐसा आइटम है जिसका अफेक्ट अकाउंटिंग पे होगा और एक चीज़ जो हमें ख़ास तौर पे मद नज़र रखनी पड़ेगी वो ये है कि डिस्काउंट क्या हम टैक्स से पहले दे रहे हैं या टैक्स के बाद दे रहे हैं बहुत सारी टैक्स एजेंसीज़ हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम डिस्काउंट अपनी कीमत पे टैक्स के बाद दें और टैक्स उसकी असल कीमत पे अदा करें लेकिन ये बहस अलहदा है आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई डिस्काउंट आइटम सेट कर रहे हैं इसका टैक्स पे क्या असर होगा और इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से मदद मिलेगी और आपको अपनी टाइप ऑफ बिजनेस उसकी नौीयत देखते हुए भी इसको सेट करने में आसानी होगी सो डिस्काउंट आइटम इज़ बेसिकली दैट आइटम विच प्रोवाइड्स द आइटम और द प्रोडक्ट और सर्विस विच यू आर ऑफरिंग एट अ डिस्काउंटेड रेट अच्छा डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं एक परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट और एक है फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट मतलब क्या है हो सकता है कि जो सर्विस या प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर एक परसेंटेज से हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने उसे कह दिया है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट से हम आपको डिस्काउंट देंगे आप अगर ये हमसे सर्विस या चीज़ लेते हैं ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं अच्छा डिस्काउंट मुख्तलिफ़ परसेंटेज़ में भी हो सकता है अगर आप ये चीज़ अवेल कर रहे हैं अभी तो इतना डिस्काउंट है अगर आप ये एक महीने के बाद अवेल करेंगे इतना डिस्काउंट है और अगर आप उसके बाद करेंगे तो डिस्काउंट नहीं है या सबसे कम वैल्यू का डिस्काउंट है इसकी मिसाल आपका हाउस टैक्स जो होता है उसमें अगर आप देखें कि अगर आप पहले महीने में इसे अदा कर देते हैं तो उसका एक बड़ा डिस्काउंट होता है पहले छः महीने में अदा कर देते हैं तो उसका दूसरा डिस्काउंट होता है और साल के अंदर अदा करने का तीसरा डिस्काउंट होता है तो हम डिस्काउंट मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं इसी तरह डिस्काउंट के दूसरे एक तरीके ये होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को जमा करके ग्रुप करके हम कहते हैं कि अगर आप ये ग्रुप लेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट लेंगे अगर आप ये पैकेज लेंगे तो हम आपको ये डिस्काउंट लेंगे अगर आप देखते हो कि बहुत सारे फर्नीचर बेचने वाले अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं और इसी तरह से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन वाले भी मुख्तलिफ पैकेजेस पर डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं लेकिन डिस्काउंट औरिजिनल प्राइस से थोड़ी सी प्राइस जो डिक्रीज़ होती है उसका हमें रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्राइस पर ये चीज़ ऑफ़र की थी और हमने कितना डिस्काउंट दे के ये सेल बुक की है ये रिकॉर्डिंग कंपलसरी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमें हमारा क्विक बुक्स भी हमें इसमें मदद फरहम करता है और हमें ये प्रोविज़न देता है कि हम हर कस्म का डिस्काउंट इसके अंदर क्रिएट करें उसको इन्फोर्स करें और उसको रिकॉर्ड करें याद रहे कि डिस्काउंट सर्विसेज पे भी हो सकता है और प्रोडक्ट पे भी हो सकता है अब आप कहेंगे सर्विसेज का कौन सा डिस्काउंट होता है बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट होता है कि अगर आपकी उम्र पैंसठ साल से ज़्यादा है तो हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे बहुत सारी सर्विस ऐसी होती हैं जिसमें आपसे कहा जाता है अगर आप ये हमारी सारी सर्विसेज लेंगे तो हम आपको डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे अगर आप इंडिविजुअल सर्विस लेंगे तो इस इसमें डिस्काउंट नहीं होगा इंडिविजुअल सर्विसेज की कॉस्ट टोटल ये आएगी डिस्काउंटेड अगर आप लेंगे तो ये तमाम सर्विस की कॉस्ट माइनस डिस्काउंट आपकी प्राइस ये आएगी आइए देखते हैं कि क्विक बुक्स में हम इसको कैसे इन्फोर्स करते हैं जैसे कि अब आपको पता ही है कि हमारे तमाम डिफरेंट आइटम्स लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं तो हम लिस्ट को क्लिक करेंगे और आइटम को क्लिक करके न्यू सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से टाइप हमने इस बार जो चूज़ करनी है दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट टाइप डिस्काउंट कैन बी फॉर एन ओकेजन

परसेंटेज में हो सकता है या अमाउंट भी हो सकता है अगर ये अमाउंट में है तो हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे और अगर ये परसेंटेज में है तो हम एंड में परसेंटेज का साइन डाल देंगे उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमने किस टाइप का ऑफ़र किया था डिस्काउंट और हमारे पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा इसके साथ साथ जो हमने अपना ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है उसको हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है उसके लिए हमने उसका अकाउंट चूज़ कर लेना है अच्छा याद रहे कि ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल भी हो सकता है और नॉन टैक्स भी हो सकता है लेकिन हमारे एजेंसीज़ टैक्स एजेंसीज़ चाहती हैं कि ये टैक्सेबल ना हो डिस्काउंट हमेशा आप ऑफर करें ऑन द फुल अमाउंट आफ्टर पेइंग ऑफ टैक्सेस लेकिन ये इस चीज का तयन आपकी टैक्स एजेंसी और आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा सो बाई डिफॉल्ट दिस इज अ टैक्सेबल आइटम बट यू मे इफ यू वॉन्ट टू कीप इट एज अ नॉन टैक्स आइटम वंस यू हैव चूज इन एवरी थिंग क्लिक ओके नाउ वी हैव एन आइटम क्रिएटेड विच इज गोइंग टू बी अ डिस्काउंट आइटम अब ये हमारे पास इस तमाम लिस्ट में नज़र आ रहा है कि ये हमारा डिस्काउंट है टेन परसेंट का और इसको अब हम यूज़ करेंगे अपने पास व्हेन वी गिव अ डिस्काउंट ऑन हैंडल्स इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं ताकि आपको पता करें कि ये है क्या हमने लिख दिया है डिस्काउंट टेन परसेंट ना वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इन फॉर अ क्लाइंट ऑफ आर्स and in that we are going to use as the product that we are offering that is the door handle which is a inventory part we have selected door handle and now we are going to give the quantity that we are going to supply the rate automatically the amount comes in and now we are going to offer the discount on this discount is as you know a discount item we are going to select that item from our list as you remember that we have given it the description discount 10% and the moment you write it down the discounted figure appears on the screen uskar rate automatically we or upper And the total usme se usne 3000 रुपए माइनस कर दिए हैं क्योंकि ये है टेन परसेंट डिस्काउंट बेस्ड ऑन दैट सेल्स फिगर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑटोमेटिकली अब आप देख सकते हैं कि ये डिस्काउंट हमने एक हैंडल के लिए दिया था लेकिन आप एक जेनेरिक डिस्काउंट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि परसेंटेज वाइज हो और हम कहीं भी यूज़ कर सकें उसका आपने नाम डिस्काउंट ऑन हैंडल रखने की ज़रूरत ही नहीं आप डिस्काउंट टेन परसेंट लगे इसका मतलब है कि दस परसेंट का डिस्काउंट है और जहाँ भी हमने दस परसेंट का डिस्काउंट देना होगा हम आराम से वो वाला डिस्काउंट इस्तेमाल कर लेंगे अगर पाँच परसेंट का देना हुआ तो हमने एक नया आइटम बनाया हुआ है डिस्काउंट फाइव परसेंट हम वो वाला आइटम इस्तेमाल कर लेंगे सो इन अफेक्ट वाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट द नंबर ऑफ डिस्काउंट्स दैट वी ऑफर टू आर क्लाइंट्स कीप इन आर रिपोजिट्री एंड एज इन वैन रिक्वायर्ड वी कैन यूटिलाइज दो डिस्काउंट्स टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट टू अर कस्टमर्स और क्लाइंट्स ये वो डिस्काउंट्स हैं जिसकी प्लानिंग सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक साल पहले कर चुका होता है और जब इनको इन्वोक या इनको चलाने का वक्त आता है तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बता देता है कि हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ये ये डिस्काउंट ऑफ़र करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हर किस्म के डिस्काउंट अपने पास रख सकते हैं एंड एज़ पर द प्लान प्रोवाइडेड बाय द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट वी कैन इन्वोक दिस इन आर इन इसको हमें अपने सेल्स टीम के साथ साथ जो भी हमारा इनवॉइसिंग का सिस्टम चला रहा है उसे बताना पड़ेगा और एज एंड वेन रिक्वायर्ड और जहाँ जहाँ ये इन्वोक हो रहा है उसने वो डिस्काउंट देते चले जाना है फॉर द पीरियड सेट बाय द सेल्स एंड मार्केटिंग टीम प्रायर टू दिस कैंपेन ये कि जब कैंपेन शुरू होगी तो मार्केटिंग टीम ये बता देगी कि आपने ये कैंपेन कितने दिनों कितने महीनों कितने वीक्स के लिए चलानी है और उन दिनों में जितनी भी हमारी इन्वाइस बनेंगी और उस सेट क्राइटेरिया में पूरी उतरेगी वो तमाम को ये डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा अगर आपने कोई इश्तहार देखा हो जिसमें डिस्काउंट ऑफर हो रहा हो तो नीचे लिखा होता है टी सी अप्लाई इसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस वो होती हैं जो कि इस कंपनी ने या आपकी कंपनी ने सेट की होती है टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर्स सो इन होल नाउ वी अंडरस्टैंड दैट डिस्काउंट ड हैव एन इफेक्ट ऑन अकाउंट्स बिकॉज इट रिड्यूसिस योर मार्जिन

किसी ना किसी टाइप का आइटम होगा हो सकता है वो इन्वेंट्री हो नॉन इन्वेंट्री हो सर्विस हो या आप आपको पता चल गया है डिस्काउंट हो ये तमाम टाइप ऑफ आइटम्स हम कर चुके हैं और ये तमाम टाइप ऑफ आइटम्स अवेलेबल होते हैं हमारी लिस्ट में एक चीज़ याद रखें कि कोई भी लाइन आइटम हमारी इनवाइस या बिल पे आ ही नहीं सकता अनटिल इट इज़ मार्क्ड एज वन ऑफ द आइटम्स इन क्विक बुक्स So, you have to register all inventory items, other charge items, service items, discount items, and other items which we are going to discuss later on so that they can be used in QuickBooks. That is all for today. Thank you.